जब पांडवों का तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का और जब देखिए आधे से लोगों ने तो पढ़ी कितने लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी है देखिए क्या बात है तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए तो वो क्या कहते हैं उस बात को मैं जो दिनकर जी ने कहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तनापुर आए पांडव का संदेशा लाए क्या दो न्याय अगर तो आधा दो दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी उठाएंगे और दुर्योधन वह भी दे ना सका दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपत होकर बोले जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझमय यह देख पवन मुझमय है मुझ विलीन संसार सकल मुझमय है झंकार सकल अमृत भूलता है मुझमय संघार झूलता है मुझमय उदयाचल मेरा दीप्ति भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज पर बंद को घेरे है मैं नाक मेरू पग मेरे हैं और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर और हूं तो दृश्य अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख शत कोटि सूर्य कोटि चंद्र शत सर सिंधु शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति कोटि रुद्र कोटि काल शत कोटि दंड लोकपाल जंजीर बड़ा कर हा हा दुर्योधन बांधने भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां उसमें तू है अमुट्ठी में तीनों काल देख पद के नीचे पाताल देख अमर में कुंतल जाल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिहा से करती ज्वाल सगन सांसों से पाता जन्म पवन वो पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा चा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है और हित वचन नहीं तूने माना हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वनि प्रखर फणुशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे वह सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे अग, अगली लाइन क्या है आपको याद विशवाण बूंद से छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा थी सभा सन सब लोग डरे थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर नाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे और कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय वाचन वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूं अगर कोई अशुद्धि प्रवाह में निकल गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं आपकी सबसे करीब यहाँ मैं बैठी हूँ मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए हैं आप में से जिस जिस के रोंगटे इस वक्त खड़े हुए एक स्टैंडिंग ओवेशन इस रचना के लिए सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए और फिर राणा जी के लिए जिस अंदाज में इस कविता को यहाँ पर इस मंच में आपने जीवित किया ये अनुभव हम यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे